दोस्तों जमशेदपुर झारखंड का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक प्रसिद्ध और पॉपुलर सिटी है। हर एंगल से यह सिटी काफी डेवलप है। ऐसे में यहाँ पर स्कूल और कॉलेजों की भरमार पड़ी हुई है, जिस कारण बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है जहाँ से स्टडी करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि जमशेदपुर के टॉप 10 कॉलेज कौन है जहाँ से आप छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जमशेदपुर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में नंबर 1 पे आता है NIT जमशेदपुर। इस कॉलेज का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों यह कॉलेज ना सिर्फ जमशेदपुर का टॉप कॉलेज है बल्कि पूरे झारखंड में टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। यह कॉलेज MHRD द्वारा अप्रूव्ड है तथा AICTE द्वारा भी अप्रूव्ड है। दोस्तों यह कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही फेमस कॉलेज है। यहाँ से आप BTech, MTech, MCA, PhD तथा MSc में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज में 100% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर पढ़ने वाले सभी बच्चों को यह कॉलेज जॉब दिलवा देता है तथा इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है 92 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 14 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद दोस्तों जमशेदपुर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 2 नंबर पे है XLRI JBS स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। इस कॉलेज की तारीफ दोस्तों जितना करे उतना ही कम है। इसकी स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में। यह कॉलेज MBA द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों मैनेजमेंट स्टडी के लिए यह कॉलेज जमशेदपुर का नंबर 1 कॉलेज है। MBA के लिए यह कॉलेज 6th रैंक पर आता है। इस कॉलेज से आप PGDM, PGDHRM, FPM, MDP, EFPM, EDPHRM, PGDIE भी तथा और भी बहुत सारा मैनेजमेंट में कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों इस कॉलेज का भी प्लेसमेंट लेवल बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर भी 100% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है। दोस्तों यह कॉलेज तो कभी कभी बच्चों के पढ़ाई पूरा होने से पहले ही प्लेसमेंट दे देता है, यानी कि आप जॉब करते रहिए और पढ़ते रहिए। इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है 60 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 10 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद दोस्तों जमशेदपुर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 3 नंबर पे है AJU यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है आरका जैन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना हुई थी 2017 ईस्वी में। यह यूनिवर्सिटी दोस्तों UGC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है, साथ ही साथ PCI द्वारा भी अप्रूव्ड है और BCI द्वारा भी अप्रूव्ड है। दोस्तों यह एक यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ से आप बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं। यहाँ से आप BTech, MBA, MCA, BCA, BBA, LLB, पॉलिटेक्निक, PhD, GNM तथा और भी बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 70-80% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 18 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 3 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद दोस्तों जमशेदपुर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 4 नंबर पे है NSU यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है दोस्तों 2018 ईस्वी में। यह यूनिवर्सिटी UGC द्वारा अप्रूव्ड है तथा AICTE द्वारा भी अप्रूव्ड है, साथ ही साथ PCI द्वारा भी अप्रूव्ड है और BCI द्वारा भी अप्रूव्ड है। दोस्तों यह एक यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ से भी आप बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं। यहाँ से आप MBA, MCA, BBA, BCA, PhD, LLB, LLM, BEd, MEd, डिप्लोमा इंजीनियरिंग तथा और भी बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे भी 70-80% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 10 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 3 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद दोस्तों जमशेदपुर के टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट में 5 नंबर पे है RBS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना हुई थी 2004 ईस्वी में। यह कॉलेज दोस्तों JUT यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। यह कॉलेज दोस्तों इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कॉलेज है। यहाँ से आप BTech, MTech तथा MCA में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज में लगभग दोस्तों 50-60% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है 10 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है
3.5 लाख रुपए। इस कॉलेज के बाद दोस्तों जमशेदपुर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 6 नंबर पे है जमशेदपुर वुमेन कॉलेज। इसका स्थापना हुई थी 1953 ईस्वी में। यह कॉलेज दोस्तों KU यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड है तथा NAAC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। दोस्तों यह एक वुमेन कॉलेज है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ लड़कियों का ही एडमिशन होता है। यहाँ पे भी बहुत सारे कोर्स उपलब्ध है। यहाँ से आप MBA, BBA, BCA, BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, MLIB तथा और भी बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे भी 50-60% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है 13 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 3 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद दोस्तों जमशेदपुर के टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट में 7 नंबर पे है मैरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। दोस्तों इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 2011 ईस्वी में। यह कॉलेज KU यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों यह भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और यहाँ से आप BTech में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे 25-30% बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है तथा इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है 4 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 1.50 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद दोस्तों जमशेदपुर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 8 नंबर पे है BA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 2007 ईस्वी में। यह कॉलेज दोस्तों KU यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों यह भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज ही है तथा यहाँ से भी आप BTech में ही कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज में 50-60% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है 5 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 2 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद दोस्तों जमशेदपुर के टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट में 9 नंबर पे है MGM मेडिकल कॉलेज। इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में। यह कॉलेज दोस्तों KU यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड है तथा MCI द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों अगर आप अपना करियर मेडिकल साइंस में बनाना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यह कॉलेज आपके लिए बेस्ट कॉलेज रहेगा। यहाँ से आप MBBS, MD, MS तथा मेडिकल में और भी बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद जमशेदपुर के टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट में 10 नंबर पे है श्रीनाथ यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी दोस्तों UGC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ से भी आप बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी से आप BTech, MBA, MCA, BBA, BCA, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, PhD, BEd, MEd, BFA तथा और भी बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों यह है जमशेदपुर के टॉप 10 कॉलेज, जहां से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो ये कॉलेज आपको एक अच्छा माहौल देते हैं और जॉब प्लेसमेंट भी देते हैं। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर बताएं तथा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।